देश में सांप्रदायिक दंगे होने पर किसको फायदा होता है, देश के नेताओं को या किसी विशेष धर्म को? हमारे देश में किस धर्म के लोग ज्यादा ताकतवर हैं? क्या हकीकत में कोई विशेष धर्म इस देश में खतरे में है, या किसी विशेष संप्रदाय के लोगों ने डरकर हार मान ली है? जी हाँ साथियों, जब जब देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ऐसी घटनाएं देश भर से सामने आती हैं, तब आम नागरिकों के जहन में यही सब सवाल मन में उभर रहे होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल कभी न कभी आपके जहन में भी आए होंगे। आप जानना चाहोगे इन सवालों की हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है। तो साथियों, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इन दंगों से, चाहे धर्म कोई भी हो, किसी का रोजगार जाता है तो किसी की रोजी रोटी जाती है तो किसी का व्यापार जाता है, घाटा सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को झेलना पड़ता है। साथियों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले राजस्थान के करौली जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए। ये दंगे होने के बाद में देश की सियासत किस तरह से जनता को गुमराह कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदुओं पर आरोप लगा रहे थे कि हिंदुओं का इन दंगों के पीछे हाथ है, और भाजपा के लोग मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम समुदाय द्वारा ये दंगे कराए गए हैं। इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूं। दैनिक भास्कर अखबार के करौली ये खबर छापी है, दैनिक भास्कर अखबार के करौली एडिशन ने। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में क्या लिखा है साथियों, पहले मैं आपको इसको पढ़कर सुना देता हूं, फिर और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दंगों ने हिंदुओं की संपत्ति और मुस्लिमों की रोजी रोटी छीनी। मुस्लिमों की 50% दुकानें हिंदुओं के मकानों में, आप देख सकते हैं इस खबर में क्या और आगे क्या लिखा है। करौली हिंसा के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। दंगों के लिए भाजपा मुस्लिम तो कांग्रेस हिंदुओं को दोष दे रहे हैं। भास्कर के दो रिपोर्टर्स ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो दंगों के बाद का बीभत्स चेहरा सामने आया। सच तो यह है कि दंगों में संपत्ति का सबसे अधिक नुकसान हिंदुओं का हुआ, जबकि मुस्लिम परिवारों की तो रोजी रोटी ही छिन गई। सुना साथियों, इसमें संपत्ति का नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का। और रोजी रोटी किसकी छीनी गई? मुस्लिमों की। और आगे क्या लिखा है पहले मैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन मुस्लिमों की दुकान में तोड़फोड़ आगजनी हुई उसमें से 50% तो किराए से थी और इनके मालिक हिंदू हैं। सालों से फूटाकोट चौराहे पर चूड़ियां, जूते चप्पल और कपड़े बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाले 64 दुकानों पर काम करने वाले 250 से ज़्यादा लोग आगजनी के कारण बेरोजगार हो गए हैं। क्या देश में बेरोजगारी की पहले से कमी थी जो रही बची कसर इन दंगों ने पूरी कर दी? इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इन करौली दंगों के कारण कम से कम 250 लोगों की रोजी रोटी और रोजगार छिना गया है। करौली के इन दंगों में दो परिवारों के तो घर ही जला दिए हैं। दंगे भड़काने के बाद सबसे ज्यादा आगजनी फूटाकोट बाजार में हुई है। इस बाजार के एक सिरे पर चूड़ियों की करीब 10 दुकानों में आग लगा दी गई है। कुछ दुकानें ऐसी थीं जो हिंदुओं ने मुस्लिम को व्यापार करने के लिए किराए पर दे रखी थीं। भाजपा और कांग्रेस के नेता जब घटना के बाद मौके पर पहुंचे तो दोनों समुदाय को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के बजाय एक एक समुदाय की रिपोर्ट बनाकर लेकर आ गए। सुना साथियों, भाजपा और कांग्रेस के लोग ईमानदारी से उन्हें क्या करना था? जिनको भी इन दंगों का सामना करना पड़ा और इन दंगों द्वारा जिन परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा, चाहे वो किसी भी मजहब धर्म के हों, उनकी रिपोर्ट सामूहिक रूप से बनानी थी, लेकिन क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम की अलग अलग रिपोर्ट बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बनाई गई। तो साथियों, तस्वीर साफ है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना आपको समझना होगा कि सत्ता के भूखे जो भेड़िए
नेताओं के रूप में आपके आसपास आते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, इनकी चाल को समझना होगा, इनकी बातों में नहीं आना है, इनकी बातों में आकर के आपस में धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, क्योंकि ये तमाम पार्टियां हैं सिर्फ वोट और सत्ता के लिए ही आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का काम करती हैं। जब भी इस तरीके के कोई मामले सामने आए तो आपको तर्क करना चाहिए, समझना चाहिए, कहीं आपके आसपास, आपके प्रदेश, आपके ज़िले या देश में कोई चुनाव तो नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये तमाम पार्टियां और नेता जनता को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे कराने का काम करती हैं और इनका सीधा सीधा फायदा किसी आम नागरिक को नहीं, केवल और केवल कुछ पार्टियों को होता है। अभी देखा होगा आपने दिल्ली में भी दंगे हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं? उसका सीधा सा कारण ये है कि अभी दिल्ली में MCD चुनाव आने वाले हैं, अब वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। तो साथियों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, सजग रहें, सतर्क रहें और इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझे बिना कोई फैसला रोष में आकर न लें। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।